उत्तराखंड में अध्यापकों को उत्तरकाशी से चिन्यालीसोर ले जा रहा मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक और मैक्स वाहन के आपस की टक्कर में मैक्स में सवार लगभग 5 अध्यापक गण, एक छात्र और मैक्स चालक घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के लौहशी गांव में युवक की लाश दरी तालाब में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक बचपन से मिर्गी बीमारी से ग्रस्त था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में इन दिनों पुरानी बिजली की केबल की जगह नई केबल विद्युत लाइन निर्माण कार्य चल रहा है। जगह जगह बदले गए विद्युत पोलों पर संयोजन की केबल खुली हवा में झूल रही है, जिससे विद्युत पोलों पर करंट लगने का खतरा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता की माने तो मामला उनके संज्ञान में नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के सभा प्रत्याशी अश्वनी तिवारी ने रोड शो कर मतदाताओं से जन समर्थन मांगा। इस दौरान अश्वनी तिवारी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, वहीं लोगों से जनसंपर्क कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनियाधाना में भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन खनियाधाना में एक सभा को संबोधन कर जनता से आशीर्वाद लिया। वहीं खनियाधाना स्टेडियम जनमानस से भरा नजर आया, साथ ही लोग आसपास छतों पर खड़े नजर आए, जिन्होंने प्रीतम लोधी को दोनों हाथ खड़े कर आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आई आरआरबी सिक्किम पुलिस फोर्स द्वारा भावगढ़ के प्रमुख स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाली गई। इस दौरान मंदसौर के एसडीओपी बीज भूषण चौधरी, भावगढ़ थाना प्रभारी शिव कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भारत स्काउट गाइड 21वीं जनपदीय स्काउट गाइड रैली जनता इंटर कॉलेज अधिधवा में 3 दिवसीय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के स्काउट स्कूलों से बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर मौजूद विधायक ने अपने संबोधन में स्काउट के बच्चों को अनुशासित बताया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक ने आपसी विवाद में किसी अन्य को फंसाने के लिए एक वृद्ध महिला की हत्या कर खेत में दफना दिया और जनपद छोड़कर फरार हो गया। पुलिस की छानबीन के बाद मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर महिला के शव को खेत से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पछारी स्थिति मॉडल स्कूल से जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने फीता काटकर मिशेल और रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं रैली का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने अभिभावकों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित भी किया। टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, पचहरी प्राइमरी विद्यालय से ये अभियान शुरू किया गया और शहर में जो है जगह जगह तहसील क्षेत्र में ब्लॉक में रैलियां निकाली जा रही हैं ताकि आम जनता जागरूक हो सके और मीजल्स और रूबेला का टीका लगाने में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मैं अमेठी वासियों से अपील करती हूँ कि हर वार्ड में, हर मोहल्ले में और हर ग्राम के अपने परिवार के हर बच्चे को जो 9 वर्ष से, जो 9 माह से 15 वर्ष का है, उसे टीकाकरण कराने के लिए जो प्राइमरी विद्यालय, जो जूनियर विद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं उनमें अवश्य लेकर आएँ, टीकाकरण कराएं ताकि जो गंभीर बीमारियां हैं, जो मानसिक विकलांगता है, उससे अपने बच्चों को बचाएं।